हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मला सरजानन एंटरप्राइज से सूरत गुजरात से आपको यहाँ मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी। हम स्टार्टिंग ये बटन से स्टार्ट करते हैं, जो अभी न्यू होंगे इस मशीन के उनको पता चले। स्टार्टिंग ये हमारा मेन बटन रहेगा, जिसको ऑन करने से हम यहाँ वोल्ट देख सकते हैं। ये हमारा डिजिटल मीटर रहेगा इस पे। एंड सेकेंड बटन रहेगा मैनुअल ऑन करने का, जिससे ऑन करने के बाद ये आपका बेल स्टार्ट होगा वर्क करना। एंड थर्ड आपका रहेगा जो मेन बटन है मशीन का, वो है ऑटोमेटिक, जिससे आपका ये कटन चालू रहेगा और कॉटन मिक्स बनाने के लिए। और ये आप देख सकते हो यहाँ से ये बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन आप देख सकते हो इस साइड। और सेकेंडली यहाँ पे एक और बटन रहेगा आपके पास, इमरजेंसी बटन, जिससे आपको कोई भी शॉर्ट सर्किट की आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा यहाँ कुछ होने वाला, तो आप ये इमरजेंसी स्विच ऑन बंद कर सकते हैं। इससे पूरी मशीन बंद हो जाएगी और वापस ऑन करने के लिए पहले सारे स्विचेस ऑफ कर देना और फिर आप ये इमरजेंसी वाला ओपन करके फिर आप मशीन स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। एंड सेकेंड उसके बाद आपके मशीन में एक और खासियत रहेगी, वो आपका ये रहेगा स्पीड वाला। आप जिस हिसाब से स्पीड रखना चाहते हो मशीन का, आप वो रोटेट कर से अपने हिसाब से स्पीड रख सकते हो। ये हो गया हमारे मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन। और ये पाइप के बारे में, आपको हर 30 सेकेंड आपको इस पाइप को ऑन करना है और बेल्ट को मॉइस्चराइजर देना है। आप दिन में 8 आवर्स काम करोगे तो आपको 15 से लेकर 20 केजी का प्रोडक्शन निकलेगा मशीन में। एंड सेकेंड आपको 20 केजी आप आराम से कर सकते हो और 24 आवर्स उस मशीन को चला सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। और इसमें एक बिग मोटर आती है, जिससे आपको शॉर्ट सर्किट का थोड़ा बहुत कम प्रॉब्लम रहेगा और सिंगल फेस पे ये मशीन चलती है। और इसमें आपको पूरे दिन का एक 4,000 से लेकर 5,000 का प्रॉफिट होगा, इसलिए आपको ये सबसे बेस्ट बिजनेस रहेगा जो आप चालू कर सकते हो। और अभी थोड़ा मशीन को पीछे से भी देख लेते हैं कि कॉटन कैसे अंदर जाता है। आप देख सकते हो वो होल से आपको पहले कॉटन डाल के कनेक्ट करना रहता है, उसके बाद से ये ऑटोमेटिक कॉटन कट के प्रोडक्शन स्टार्ट होता रहता है। और इसका ये प्रोडक्शन भी आप देख सकते हो कितना फाइनेस्ट है। आपको आप हर 30 सेकेंड के बाद अगर आप पानी मॉइस्चराइज करते रहोगे बेल को, तो आपको बहुत अच्छी फाइनेस्ट प्रोडक्शन मिलेगी, जिससे आपको कोई भी रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।